जल भराव को लेकर लगातार निगम फरीदाबाद में अधिकारियों की बैठकों के बाद भी शहर को जल भराव से मुक्त करने वाले खोखले दावों की बरसात ने पोल खोल कर रख दी है। भड़कल विधानसभा क्षेत्र की संजय कॉलोनी में नाले का पानी ओवरफ्लो होकर घरों में घुस रहा है। सड़क पानी से पूरी तरह लबालब नजर आ रही है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा भी पैदा हो गया है। दुर्भाग्य की बात तो ये है कि गंदे पानी का यह आलम हरियाणा की CPS और भड़कल विधानसभा विधायक सीमा त्रिखा के निवास स्थान से मात्र 500 मीटर तर की दूरी पर है। एक तरफ फरीदाबाद स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल करके शहर को स्मार्ट बनाने की तैयारी में नगर निगम लगा हुआ है और दूसरी तरफ निगम अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं। थोड़ी सी बरसात और सीवर व नाले का गंदा पानी गलियों में तैरने लगा है। ये घर के सामने पानी भर रखा है, कब से भर रखा है? एक हफ्ता हो गया। एक हफ्ते से पानी है, किसका बरसात? जब से बरसात शुरू हुई नाला की पानी है, ये संजय कॉलोनी से भर के आता है। तो नाला बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। तो किसी से शिकायत की इस पानी के बारे में? सीमा तिरखा से। क्या करी सीमा तिरखा? उसने बोला सही हो जाएगा, अब नहीं सही हो रहा है। तो इससे क्या अंदर घर में भी घुस जाता है पानी? हाँ, घर में घुस जाता है। बेड रोड खराब हो गया, घर का सामान खराब हुआ है। एक आंटी थी वो खत्म हो गई, उनके सारा सामान खराब हो गया। मेरी संज्ञान में ये बात अभी आई है और मैंने पूरा निरीक्षण कराया है। वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट की वजह से कुछ मोटरों में प्रॉब्लम आ गई है, तो मैंने अधिकारियों को ये आदेश दे दिए कि जहाँ जहाँ जो भी दिखती हैं उन्हें तुरंत ठीक कराया जाए, ताकि इस प्रकार का कोई भी जल भराव ना हो। आगे बरसात आने वाली किस तरह की तैयारियाँ नगर निगम की अगर बात करें तो? हमारा नगर निगम अपनी तरह से पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है कि किसी प्रकार का जल भराव ना हो। जहाँ मोटरें खराब है उन्हें ठीक कराया जा रहा है, जहाँ रेन हार्वेस्टिंग के पॉइंट्स खराब है उन्हें ठीक कराया जा रहा है, बाकी नालों की भी सफाइयाँ कराई जा रही है। अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश होगी कि कहीं भी जल भराव ना हो। फरीदाबाद टाइम्स में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए BVM न्यूज़। नमस्कार।